दीपावली दियों का त्यौहार है। इस दिन हम देवी लक्ष्मी संग गणेश जी की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन भगवान लक्ष्मी गणेश का पूजन करने से घर में सालों भर धन धान्य व सुख संपदा रहती है, और इस दिन अगर सही विधान से हम पूजन विधि करें तो यकीन माने घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन पूजित होने वाली मूर्ति का विशेष ही महत्व होता है। दीपावली के दिन श्री गणेश लक्ष्मी जी की कैसी मूर्ति लेनी चाहिए, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानिए। मूर्ति खरीदते वक्त हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें वो कमल के पुष्प पर विराजित हो। कभी भी खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति कभी ना लाएं। अगर आप ऐसी मूर्ति का दीपावली में पूजन करेंगे तो देवी लक्ष्मी का घर से गमन हो जाता है। अतः हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली व कमल के पुष्प में विराजमान धन की वर्षा करती हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति ही घर पर लाएं। गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त यह जरूर देखें कि गणेश जी के हाथों में मोदक हो एवं वो मूषक पर विराजमान हो। ऐसी मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है, यह सुख समृद्धि का प्रतीक कही जाती है। तीसरी बात, सदैव लक्ष्मी गणेश जी की अलग अलग मूर्ति ही खरीदें। कभी भी युगल विग्रह कभी ना खरीदें। माता लक्ष्मी को सदैव गणपति के दाईं ओर रखें। दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप मूर्ति खरीदें व सही विधि से पूजन करें, जिससे आपके घर सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी उपयोगी जानकारी मिल सके। थैंक यू।